बैक टू डूडल की रसोई और आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ मखाना इन ग्रेवी। तो चलिए देखते हैं कि मखाना इन ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। यहाँ मैंने लिया हुआ है 100 ग्राम ड्राई रोस्ट मखाना, 10 से 15 कड़ी पत्ते, 8 से 10 कलियां लहसुन की, 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा, 3 लाल मिर्च, 1 बड़ा प्याज, 1 बड़ा टमाटर, 10-15 बादाम के दाने, 1 टीस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून मसाला, ये मसाले मिक्स हैं, इसमें मैंने गरम मसाला, छोले मसाला और पाव भाजी मसाला मिक्स किया हुआ है, 1 टीस्पून हल्दी, सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड 1 टेबलस्पून ऑयल लिया हुआ है। अब एक कढ़ाई में मैंने प्याज, टमाटर, बादाम, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च को 5 से 10 मिनट के लिए भून लेती हूँ और इन्हें ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर की जार में पीस लूँगी। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर लिया है। अब मैं इसमें जीरा डालकर तड़कने देती हूँ। कड़ी पत्ते भी डाल दिए हैं। अब मैं इसमें अपने पिसे हुए मसालों को मिक्स करके उन्हें अच्छे से भून लेती हूँ। प्याज टमाटर को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें सूखे मसालों को डालकर उन्हें भी 5 से 7 मिनट के लिए पका लेती हूँ। ये मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसमें पानी मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पानी में उबाल आ चुका था, इसीलिए मैंने इसमें ड्राई रोस्टेड मखानों को मिक्स कर दिया है। अब मैं 1 मिनट के बाद गैस बंद कर दूंगी। मैंने गैस बंद कर दिया है। अब मैं इस सब्जी को एक बर्तन में निकाल कर सर्व कर लेती हूँ। हमारी सब्जी पक चुकी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसे एक बार अपनी रसोई में बनाने की ज़रूर कोशिश करोगे।